मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ डॉग्स को घुमाने ले जा रहा था। वो उसके डॉग्स नहीं थे, वो अमीर लोगों के डॉग्स को घुमा कर लाता है और काम होने के बाद उन्हें दे देता है। एक औरत अपने डॉग को देखकर बहुत ही खुश थी और उसे वो खाना वगैरह खिलाती है। वो उसे इतना प्यार कर रही थी जैसे वो इंसान का ही बच्चा हो। जॉन को ये देखना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम आइरीन नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड एक रिच आदमी था। आइरीन हमेशा अलग अलग अमीर लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर एक अलीशान सी जिंदगी जीती है। ऐसे उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे या उसका बॉयफ्रेंड नशे में धुत था। आइरीन उसे उठाने की कोशिश करती है और उठाकर बेड पर सुला देती है। पैरेलल में हम जॉन को देखते हैं। जॉन उसी होटल में वेटर और बारटेंडर का काम करता है। वो एक अमीर आदमी को बियर सर्व करने के लिए गया। वो अमीर आदमी उसे वहीं पर उसके पास बैठा लेता है। उसे बात करने लग गया और उसे एक सिगार ऑफर करता है। जॉन इस सिगार को लेने से मना कर रहा था। वो आदमी उसे फोर्स करने लग गया। उसे कहता है कि सिगार 120 यूरोस की है। जॉन ही जान का सरप्राइज था क्योंकि कभी भी इतनी कॉस्टली चीज उसने ट्राई नहीं की थी। इसके बाद आइरीन उस होटल की बार में जाती है। वहां पर वो बैठी और जॉन सोफे पर सोया हुआ था। उसे देखकर उस पर एक चीज वो मारकर फेंकती है, इसे उठ जाता है। जॉन जरा घबरा गया था कि आइरीन उसकी कंप्लेंट ना कर दे। वो उसे कहता है कि हर बार मैं ऐसा नहीं सोता। आइरीन को पता नहीं था कि वो बारटेंडर है, उसे एक रिच पर्सन समझ रही थी। इसके बाद उसे अपने पास बुलाती है। उसके पास से उसे सिगार की स्मेल आती है, स्मेल को अप्रिशिएट करती है। वो दोनों फिर ड्रिंक करने लग गए। थोड़ी देर बाद बात करते करते वो दोनों ड्रंक हो जाते हैं। इसके बाद वो होटल के एक एक्सपेंसिव रूम में गए। वहां पर वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद मॉर्निंग में आइरीन गायब हो जाती है। जॉन उसे हर जगह पर ढूंढने लग गया पर उसे वो मिलती ही नहीं। इसके बाद ऐसे ही इंतजार में एक साल बीत जाता है। जॉन फिर से अपने काम पर फोकस करता है। एक दिन ऐसे ही होटल में वो आइरीन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। उसे देखकर सरप्राइज था। वो फिर से अपने वेटर की आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो एक रिच आदमी है। दो लोग उसे आवाज देकर ऑर्डर लेने के लिए कह रहे थे पर उन्हें वो इग्नोर कर देता है। आइरीन उसे नोटिस करती है और उसे कुछ भी शक नहीं जाता। इसके बाद उसे वहां से उठकर जाना पड़ता है क्योंकि उसके बॉस का आवाज उसे सुनाई दे रहा था। वो फिर छुप कर आइरीन को देख रहा था। आइरीन का बॉयफ्रेंड उसे एक रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। आइरीन उसे किस करती है और इसे एक्सेप्ट करती है। ये देखकर जॉन के होश उड़ गए। रात में जॉन फिर से वही बार में था। रात में आइरीन उसे ढूंढते हुए आई। वो उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर तुम अकेली हो। वो कहती कि हाँ। जॉन ने पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। आइरीन कहती कि सो गया है। इसके बाद दोनों फिर से करीब आ गए। सुबह आइरीन जल्दी उठकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास गए। बॉयफ्रेंड उसे देखकर कहता है कि बहुत लेट हो गया, तुम रात भर कहाँ थे। वो कहती कि मैं बीच पर गई थी। बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं रात भर सोया नहीं था, मैंने तुम्हें बार में एक लड़के के साथ देखा था। आइरीन के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया था, इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा बिहेवियर देखकर वो डायरेक्टली जॉन के पास आ जाती है। उसे अब भी पता नहीं है कि जॉन अमीर नहीं है। वो दोनों फिर से करीब आ गए तभी वहां पर होटल का स्टाफ आ जाता है। उन्हें देखकर जॉन छुप गया। स्टाफ आइरीन को देख लेता है तो आइरीन जॉन के ऊपर से चादर ओढ़ लेती है। जॉन के बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका था। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब उसे कोई रिच बॉयफ्रेंड की जरूरत थी तो एक जगह पर बैठकर वो सब लोगों को कॉल करती है। कोई भी उसे मिल नहीं रहा था। शाम हो गई और बड़ी मुश्किल से एक आदमी मान जाता है। वो उसे डिनर के लिए बुलाती है। वो एक रेस्टोरेंट पर उसका वेट कर रही थी तभी वहां पर जॉन आ गया। जॉन उसे सॉरी कहता है। सॉरी सुनने के बाद उसे जाने के लिए कहती है पर जॉन उसे बात करना चाहता था। आइरीन ने कहा कि आज मेरी डेट है। जॉन कहता है कि कल तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो। वो उसे इसके लिए मना कर देती है पर जॉन मान नहीं रहा था। वो फिर जैसे तैसे उसे वहां से भेज देती है। एक अमीर आदमी आता है और दोनों डिनर करते हैं। दूर से जॉन उन्हें घूर रहा था। वो आदमी देखता है और वहां से चला जाता है। आइरीन अब जॉन से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। जॉन फिर से उसे कल मिलने के लिए कहता है। आइरीन इस बार उसकी बात मान गई। नेक्स्ट डे वो मिलते हैं और आइरीन सबसे एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करती है। ये देखने के बाद वो अपने करंट सेविंग से सारे पैसे मंगवा लेता है। इसके बाद वो डिनर करता है। आइरीन उसे उसी होटल में रूम बुक करने के लिए कहती है जहाँ पर वो हमेशा मिलते थे। इसके बाद आइरीन को शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। वो जो भी कह रही है इसके अलावा जॉन के पास और कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं था। वो फिर उसे एक छोटे से कैफे पर लेकर जाती है। कैफे पर जॉन के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जॉन को अपने एटीएम से फिर पैसे निकालने पड़े। जाते जाते उसे और एक ड्रेस दिखा और उसने वो ड्रेस बाय कर लिया। इस डेट के खत्म होने के बाद आइरीन उसे एक फर्स्ट क्लास का टिकट देती है। कहती है कि तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए। वो फिर जाने लग गए। जॉन अपनी जेब से एक यूरो उसे देता है। कहता है कि इस यूरो से मेरे साथ सिर्फ 10 सेकंड रहो। आइरीन वैसा ही करती है। 10 सेकंड खत्म होने के बाद वो वहां से चली गई। इसके बाद वो शाम को उसी होटल में काम ढूंढने के लिए आता है पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वहां पर एक अमीर लेडी आई जो उसे अपने साथ लेकर जाती है। उसे कहती कि तुम मेरे साथ रहो और बदले में तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकती हूँ।
वो रात में उसके पास सोया था पर वहां पर उसे नहीं रहना था तो वहां से वो चला जाता है। नीचे जाने पर उसने आयरिन को किसी और के साथ देखा। ये देख कर वो फिर से उस लेडी के पास वापस चला गया। मॉर्निंग में जॉन और वो लेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। वहां पर आयरिन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। वो जॉन को देखती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि यहाँ पर मैं एक लेडी के साथ आया हुआ हूँ। आयरिन को इस पर बिलीव नहीं होता, उसे लगता है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। उतने में वहां पर वो लेडी आ गई और जॉन को अपने साथ लेकर जाती है। नेक्स्ट दिन में जॉन सोया हुआ था तो लेडी उसके पास आई, उससे अपने क्लोथ्स के कलर मैच करती है। उसे ब्लू बहुत अच्छा लगता है। वो फिर जॉन के लिए भी कपड़े लेने के लिए उसे लेकर गई। उसे चेंजिंग रूम में भेजकर बहुत सारे ब्लू शर्ट ट्राई करने के लिए कहती है। पास में ही आयरिन भी थी, उसे वो ड्रेस चेंज करते हुए देखता है। आयरिन ने भी उसे देखा और उसे वो 1 यूरो देती है। कहती कि 10 सेकंड्स तक तुम मेरी बात मान सकते हो। इससे उसे अपनी जिप बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद वो लेडी जॉन को वहां से लेकर गई। अब हम देख सकते हैं कि जॉन की लाइफ अब पूरी तरीके से बदल गई थी। वो अब एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। वो गैलरी से आयरिन को देखता है। उसे देखकर आयरिन उसे अपने पास बुलाती है। वो दोनों बातें करते हैं और इसके बाद वो अपने होटल रूम में फिर से आती है। उसके लिए वो एक गिफ्ट लाई थी। उसे खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक डंबल्स है। इसके बाद वो आयरिन से मिलने के लिए फिर से उसके पास जाता है। यहाँ आयरिन को पता चलता है कि उस लेडी ने कपड़ों के अलावा जॉन को कुछ भी दिलाया हुआ नहीं। आयरिन और जॉन बातें करते हैं और बातों बातों में वो दोनों करीब आ गए। अब आयरिन को भी उससे प्यार हो गया था, उसे किस करती है। जॉन को कॉल आया और उसे जाना पड़ता है। जाने से पहले आयरिन जॉन की वॉच तोड़ देती है। इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद जॉन अपने रूम में गया। मॉर्निंग होने पर वो रिच लेडी पिलो मारकर जॉन को उठाती है। वो उसे एक सर्जन के पास लेकर गए। जॉन का कान जरा लटका हुआ था तो उसे वो सही करती है। जॉन को ये सब नहीं करवाना था पर अब मजबूरी में आकर उसे करना ही पड़ता है। इसके बाद जब वो गाड़ी में थे तो जॉन की वॉच उसने देखी जो टूटी हुई थी। ये देखकर वो लेडी उसे एक वॉच शॉप में लेकर गई। वहां पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच जो 30,000 यूरो की थी, ये उसे वो बाय कर देती है। ये देखकर जॉन को पता चला कि आयरिन ने उसकी वॉच तोड़ी क्यों थी। जॉन इस वॉच से बहुत ही खुश था। इसके बाद वो आयरिन से मिलने के लिए होटल पर गया। आयरिन को वॉच दिखाने के लिए वो आयरिन के बॉयफ्रेंड के पास गया। वो प्रिटेंड करता है कि उससे वो लाइटर मांग रहा है और इसी बीच उसने आयरिन को अपनी वॉच दिखा दी। उसकी वॉच शुगर देखती है और उसे बहुत पसंद आया। उस वॉच में डायमंड्स भी लगे हुए थे। इसके बाद जॉन वहां से निकल जाता है। पैरेलल में आयरिन भी अपनी वॉच तोड़ देती है। जॉन और वो रिच लेडी बात कर रहे थे और उसने देखा कि आयरिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में जा रही है। वहां से उठकर टेलीफोन के पास जाता है। रूम सर्विस बंद कर बार बार आयरिन के बॉयफ्रेंड को कॉल करता है। आयरिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो नहीं देखना चाहता था। उन्हें बार बार कॉल कर परेशान करता है। ये बात आयरिन को पता चल गई और वो बहुत हंसती है। इसके बाद वो रिच लेडी के पास वापस आया। उससे पूछती है कि तुम गए कहाँ थे। जॉन कहता है कि मैं बाथरूम गया था। उस लेडी को उस पर शक हो जाता है। वो कहती है कि तुम किसी से बात कर रहे थे। जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेडी फिर उससे सही तरीके से बिहेव नहीं करती। उसे कहती है कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, अगर करनी है तो ये सारी लग्जरी लाइफस्टाइल तुम्हारी चली जाएगी। ये सुनकर जॉन अपनी वॉच वहीं पर रख देता है और वहां से जाने लग गया। इतने कंट्रोल में वो नहीं रह सकता था। नेक्स्ट डे हम जॉन को फिर से एक एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ देखते हैं और वो वॉच उसके हाथों में थी। वो एक स्कूटर पर था और ये ब्रांड न्यू स्कूटर थी। वो आयरिन से मिलने के लिए आया था। आयरिन ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। एक्चुअल में उस लेडी ने जॉन को कहीं नहीं जाने के लिए ये सब दिया हुआ था। यहाँ पर आयरिन और जॉन ने दोनों स्विम करने का प्लान बनाते हैं पर वो नहीं जा पाते क्योंकि वो लेडी वहां पर आ गई थी। इसके बाद वो रात में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हम जॉन को देखते हैं जो आयरिन का इंतजार कर रहा था। आयरिन अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड के सोने का इंतजार कर रही थी। उसे वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता ही रहता है। उसे पूछता है कि तुम किस टाउन से हो, तुम्हारे सिबलिंग्स कैसे हैं। इस सब का आयरिन आंसर कर रही थी। आयरिन को अब उसकी बात नहीं सुननी थी तो उसे किस करती है और इसके बाद उसने उसे सुला दिया। इसके बाद आयरिन और जॉन स्कूटर से जा रहे थे। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर रात वहीं पर बिताते हैं। सुबह 6:30 को आयरिन का अलार्म बजता है। उसे जाना था। जॉन सो रहा था तो उसे वो नहीं उठाती। वो उसी में खो जाती है। थोड़े टाइम बाद फिर वो घर आता है। नेक्स्ट दिन में जॉन स्विमिंग पूल के पास अपनी लेडी के साथ बैठा हुआ था। दूसरी तरफ आयरिन थी, उसे वो देख रही थी। आयरिन उसे रूम में से बुक लाने के लिए कहती है और वो बुक लाने के लिए चला गया। उसी रूम में आयरिन आई और उसे कहती कि लास्ट नाइट हमने जो साथ में बिताई थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए फेनी जा रही थी। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। उसे वो लास्ट टाइम किस करती है पर तभी वहां पर वो लेडी आके उसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और किस करते रहते हैं। ये सारी चीजें आयरिन का बॉयफ्रेंड देख रहा था। आयरिन फिर चुपके से वहां से निकल जाती है। वो लेडी उन्हें देख नहीं पाती पर आयरिन के बॉयफ्रेंड ने सब कुछ देख लिया था। वो फिर आयरिन को छोड़कर चला जाता है।
आयरिन स्विमिंग पूल के पास अकेली थी। जॉन उसे पूछता है कि हुआ क्या, उसे सब कुछ सिचुएशन बताती है। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया, इस सारे होटल का बिल भी उसने पे नहीं किया। अब वो बहुत ही परेशान थी, जॉन उसकी हेल्प करना चाहता था। वो शाम को आता है और एक राइटर के हाथों आयरिन के पास एक खुशखबरी भेजता है कि उसने होटल का सारा बिल पे कर दिया है। उसने पे करने के लिए अपनी वॉच सेल कर दी थी। रिच लेडी उसे वॉच के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि मैंने उसे सेल कर दी है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता था। ये सुनकर उस लेडी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसे देखकर वहां से चली जाती है। जॉन आयरिन को देखकर उसके पीछे आने लगता है। फाइनली उसे मिलता है और उसके साथ डांस करता है। यहाँ आयरिन उससे एक फेवर मांगती है, कहती है कि मैंने मेरे पुराने बॉयफ्रेंड को देखा है, अगर मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए तो मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा। उसे सीड्यूस करने के लिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। आयरिन के ओल्ड बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़की थी। आयरिन फिर उस लड़की के पास जाकर जॉन की तरफ इशारा करती है और बताती है कि जॉन एक प्रिंस है, बहुत ही अमीर है और वो प्यार की तलाश में है। ये सुनकर वो लड़की जॉन की तरफ अट्रैक्टेड होने लग गए। इसके बाद आयरिन जॉन से बातें करती है, तब वहां पर वो लड़की आके आयरिन फिर उन्हें अकेला छोड़ देती है और दोनों बात करने लग गए। उनका प्लान सक्सेस हो रहा था तभी वो रिच लेडी जॉन को उस लड़की के साथ देख लेती है। इसके बाद उसके पास जाकर उसे सुनाने लग गए। जॉन फिर उसे साफ साफ कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अगर तुम चाहो तो जो भी चीजें तुमने मुझे दी है तो सब कुछ वापस ले जा सकती हो। वो स्कूटर उसे वो दान कर देती है। जॉन उस लड़की को कहता है कि ये मेरी एक्स मदर इन लॉ थी और मुझसे नाराज है। इसके बाद वो होटल रूम में जाने लग गए। जॉन और वो लड़की आयरिन के बॉयफ्रेंड के सामने से जाते हैं। आयरिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास गए और उसे सीड्यूस करती है। इसके बाद आयरिन और वो रूम में जाते हैं। आयरिन गैलरी से जॉन और उस लड़की को देखती है। आयरिन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और बहुत जेलस फील होता है। उसे प्यार करने लग गई थी और अब ये सब देख नहीं सकती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर डायरेक्टली जॉन के पास आके वो अंदर जाकर जॉन को अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। ये देखकर वो लड़की वहां से चली गई। जॉन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जॉन और आयरिन अपने न्यू सफर पर उनकी स्कूटर पर निकल जाते हैं। यही बड़े मूवी एंड हो जाती है। यह हमें बताकर जाती है कि पैसों से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, प्यार के सामने उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।